नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सौरभ टेक्निकल से हूं। आज मैं आपके सामने LG की K10 2017 एडिशन डिवाइस लेकर आया हूं। इसकी अनबॉक्सिंग हम आपके सामने करेंगे और चेक करेंगे कि इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या है, और साथ में हम चेक करेंगे कि ये जो डिवाइस कैसी है, इसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, और इस फोन के अंदर और क्या क्या खास चीज़ें हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी जो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, इसके बॉक्स के आइटम को चेक करते हैं। तो इसके बॉक्स के अंदर तो एक तो हमें ये स्मार्टफोन मिलता है, इसके अलावा इसके अंदर आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो मैं आपको बताऊं। ये आपको इसका बैक कवर है, इस फ़ोन के साथ आता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका बैक कवर है, ये देखिए ये इसका बैक कवर है। इसके अलावा इस फ़ोन ये जो बॉक्स के अंदर ये देखिए ये आपको क्विक स्टार्ट गाइड है। इसके अलावा इसके अंदर आपको ये आपको चार्जिंग कॉर्ड, हेडफोन, और ये आप देख सकते हैं ये चार्जिंग एडाप्टर। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बॉक्स के अंदर, आइए हम इसको इसके अंदर रखते हैं ये सारी चीज़ों को, और अब हम चेक करते हैं कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन क्या है। ये आपको LG की ये जो डिवाइस है, आपको LG K10 2017 एडिशन, इसकी आपको स्पेसिफिकेशन क्या क्या है। अगर हम बात करें इसके स्क्रीन साइज की, तो इसकी जो स्क्रीन साइज है वो आपको 5.3 इंच की है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको मेंशन है। इसके अलावा इसमें इसकी जो बैक कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल विद फ्लैश है, और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल है। ये एंड्रॉयड 7.0 पे चलता है। इसके अंदर जो बैटरी है वो आपको 2800 mAh की है। इंटरनल स्टोरेज आपको 16 GB की है, रैम 2 GB की है, और ये इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो आपको 1.5 GHz ओक्टा कोर का प्रोसेसर लगा है। यहाँ पे आपको LG की ब्रांडिंग की गई है, ये आपको फिंगरप्रिंट सेंसर, और साथ में ये आपको SOS बटन भी है, यानी या फिर कितने लोग इसको पैनिक बटन भी बोलते हैं, जब आप इमरजेंसी में हो और इसके अंदर जो आप नंबर फीड कर रखा हो उसके ऊपर डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होंगे। आइए अब हम इस फोन को अनलॉक करते हैं। ये देखिए काफ़ी आसानी से अनलॉक हो गया, तो इसका जो टच भी है वो काफ़ी अच्छा है। आइए अब हम इसके अंदर चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या क्या है। तो ये देखिए ये आपको SOS फीचर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे इसको इनेबल करना है, और आप कोई भी नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ऐड नंबर जैसे कि न्यू नंबर, या फिर अपने कॉन्टैक्ट में से किसी भी नंबर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये SOS फीचर में कैंसिल, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हो ये आपको डुअल सिम कार्ड है, ये सारी चीज़ें। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फ़ोन है ये आपको VoLTE इनेबल फ़ोन है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं डुअल सिम कार्ड के अंदर आपको Jio 4G यहाँ पे लिखा रहा है, और यहाँ पे आपको VoLTE भी आपको दिख रहा होगा ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको VoLTE भी दिखा। तो ये जो फ़ोन है आपको VoLTE इनेबल्ड है। इसके अंदर साउंड एंड नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब सिम 1 वाइब्रेशन टाइप, सिम 2 वाइब्रेशन टाइप, डिस्प्ले के अंदर होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जनरल के अंदर आप देख सकते हैं अकाउंट एंड सिंक है, गूगल PVC है, डेट एंड टाइम है, स्टोरेज है, मेमोरी है। अबाउट फोन के अंदर चेक करते हैं क्या है, ये देखिए सिम 1, सिम 2 कॉमन। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ़ोन नेम जो है वो आपको LG K10 2017 डुअल, यानी डुअल कार्ड, डुअल सिम कार्ड सपोर्ट, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें होगी आपको इसके सेटिंग्स की। इसके अलावा अगर हम चेक करें तो देखिए इसके अंदर आपको टूल कौन कौन से मिलते हैं। टूल आपको इसके अंदर आपको कैलकुलेटर है, फाइल मैनेजर है, वॉइस रिकॉर्डर है, FM रेडियो है, डाउनलोड्स है, और सेल ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक। अब हम बैक करते हैं। इसके अलावा आपको LG करके जो फोल्डर है इसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट्स है, म्यूजिक है, टास्क है, और स्मार्ट वर्ल्ड है। इसके अलावा मैनेजमेंट, यहीं से आप सीधे बैटरी सेवर के अंदर जा सकते हो, बैटरी यूजेज के अंदर जा सकते हो, मेमोरी के अंदर जा सकते हो, स्टोरेज के अंदर जा सकते हो, LG बैकअप के अंदर जा सकते हो, और रिमोट कॉल सर्विस, ये सारी चीज़ें यहीं से आप सीधे आप जा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रू कॉलर आता है आपको प्रीलोडेड, इसके अलावा आपको इसके अंदर हंगामा भी आता है, रिकमेंडेड के अंदर आप देख सकते हो एवर नोट है, फेसबुक है, और इंस्टाग्राम, ये सारे आपको प्रीलोडेड ऐप इस फोन के अंदर है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैसेजिंग की, तो ये आप देख सकते हो ये मैसेजिंग का ये फॉर्मेट है इस तरीके से, ये इसकी कीबोर्ड है, यहाँ पे आपको जिसको मैसेज करना है वो, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करके अपने अकाउंट से वो आप ला सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो आप मैसेज को शेड्यूल कर सकते हो यहाँ से। आइए अब हम बैक चलते हैं। उसी तरीके से
हम इसकी कॉलिंग एरिया को देख सकते हैं, ये आपको डायल पैड है, कॉल लॉग्स है, यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्ट्स जो भी हैं, ये ग्रुप्स आप बना सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आइए इसकी जो कैमरे है उसको भी हम चेक करते हैं कि वो कैसा है। तो ये देखिए, ये इसका फ्रंट कैमरा था, ये देखिए इसका बैक कैमरा। इसकी जो सेटिंग्स के अंदर आप जाके देख सकते हो, आपको 4:3 13 मेगापिक्सल यहाँ पे है, वीडियो रिजोल्यूशन HD है, फुल HD है, दोनों आप बना सकते हो, ये सारी चीज़ें। आइए हम बैक चलते हैं। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट फोटो जो है ब्लूटूथ कर सकते हो, मेल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा इससे लिया हुआ ये आप देख सकते हो, ये फ्रंट कैमरे से लिया हुआ फोटो है, फोटो ठीक आया है। तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल, इस फोटो का आप देख सकते हो, ये मैंने पूरा जूम किया और इसकी जो पिक्चर है काफ़ी क्लियर आ रही है, और दूर से आप देख सकते हो कितना छोटा दिख रहा है, लेकिन आप जूम करने के बाद ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो इसके अलावा ये बैक कैमरे से लिया हुआ फोटो है, आप देख सकते हैं, ये भी फोटो आप देख सकते हैं बैटमैन की, स्पाइडरमैन। तो ओवरऑल जो इसकी जो बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा है वो ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम इसके नोटिफिकेशन एरिया को चेक करें, तो आपको नोटिफिकेशन एरिया में आप देख सकते हो साउंड है, ब्लूटूथ है, एयरप्लेन है, लोकेशन है, हॉटस्पॉट, डेटा रोटेशन, वाईफाई, कैप्चर प्लस, डू नॉट डिस्टर्ब, डेटा सेवर और कलर इन्वर्जन, ये सारी चीज़ें इसके नोटिफिकेशन एरिया में है। तो दोस्तों, ये मेरा आपको डिटेल रिव्यू था आपको LG K10 2017 एडिशन का। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल जो कि टेक्निकल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अधिक से अधिक वीडियो देख सके। अगला वीडियो लेकर मैं चल जाऊँगा, तब तक ले सायोनारा, टेक केयर, थैंक यू।